बेच रहे हैं जी। वालेकुम सलाम। कितने का है? 2 रियाल का। 2 रियाल नहीं भाई, बहुत सारे लोग आते हैं वो मस्तियां करते हैं जी। अहमद भाई है जो हमें बार बार कह रहा है कि जस्ट जल्दी करो तस्वीरें वीडियो इतनी होगी। हेलो, वालेकुम सलाम। बांग्लादेश? ओ माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं पाकिस्तान। माशाल्लाह, बांग्लादेशी हर जगह मिलते हैं, पाकिस्तानी हर जगह मिलते हैं। ठीक हो? तो जितनी चीजें नजर आ रही है आपको सारी महंगी तरीन चीजें। पोप की जो हुकूमत है वो 4 दीवारी तक, इस 4 दीवारी तक, इस किले के अंदर तक महसूर होकर रह गई है। चर्च इनके जितने बड़े बड़े हैं वो सारे वीरान हो चुके हैं। अल्लाह रहमान रहीम। मैं हूं अनवर गाजी, इस वक्त मौजूद हूं वेटिकन सिटी रोम इटली में। और ये जो सारे मनाजिर हैं आपको, ये वेटिकन सिटी के मिल रहे हैं। वेटिकन सिटी तो इधर है, ये जो दूसरी विंडो में आपको नजर आ रहा है, मेरी तस्वीर में एक विंडो नजर आ रही है, एक दूसरी है, ये है वेटिकन सिटी, इनका मेन चर्च। और यहाँ पोप बैठता होता है इस तरफ, ये जो बिल्डिंग बनी हुई है। तो यहाँ से आए हैं सामने, तो यहाँ पर मुख्तलिफ चीजें इस तरह की बनती हुई नजर आ रही है, ये बेच रहे हैं जी। वालेकुम सलाम। कितने का है? 2 रियाल का। 2 रियाल नहीं भाई, 2 यूरो का। और ये मुख्तलिफ हमने वीडियो तो बना ली, ये एक बहुत सारे लोग आते हैं वो मस्तियां करते हैं जी। ये देखो इस तरह की चीजें हैं, बाहर निकल आए हम। और एक तफरी गाह है ये, एक लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, खा रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। अहमद भाई है जो हमें बार बार कह रहा है कि जस्ट जल्दी करो तस्वीरें वीडियो इतनी होगी। ये वेटिकन सिटी का झंडा कौन सा? ये है, पक्की बात है। यहाँ तो मुख्तलिफ झंडे भाई नजर आ रहे हैं, वो ब्राजील के ऊपर मुझे याद है इसके। तो मुख्तलिफ ममालिक के जी जी, ये पता नहीं क्या जिसे ने बताया था। वालेकुम सलाम। पाकिस्तान की बेच रहे हैं? हैं इजिप्ट। इजिप्ट का भाई की बेच की रहे हैं, की बेच रहे हैं? रेस्टोरेंट है जी इसका। क्या है इसका? टूरिस्ट बस है जी। एक बूढ़ी नानी है, ये भी तस्वीरें बना रही है जी। और ये वो चीजें हैं जो जैसे दरगाहों के बाहर नहीं होती चीजें, वो चीजें। अच्छा ये बहुत महंगी है, 100 यूरो की। 100 यूरो का एक छल्ला है छोटा सा। हाँ नहीं नहीं, एक जो वो उधर। अच्छा चले देखते हैं, अब पता करते हैं। मैंने तो उससे पूछा, पूछे जरा इनसे, ये कितने का है? ये कितने का है? एक है ये भाई, कौन सी कौन सा? 3 यूरो का। ये छल्ला था ना एक, इधर दिखाएं, छल्ला था, छल्ला, चाबी डालने वाला। इनसे पूछो, चाबी डालने वाला जो होता है। हाँ। चाबी डालने वाले इनसे पूछो। वो नहीं है इसके पास जी, ये शर्टें भी इसकी बनाई, छतरियां भी है जी, और दूसरी जगहों की बनिस्बत यहाँ पर चीजें अच्छी खासी महंगी है। ये रोम वेटिकन सिटी के आप मनाजिर देख रहे हैं। हेलो, वालेकुम सलाम। बांग्लादेश? ओ माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं पाकिस्तान। माशाल्लाह, बांग्लादेशी हर जगह मिलते हैं, पाकिस्तानी हर जगह मिलते हैं। ठीक हो? क्या बेच रहे हो? ओ मुख्तलिफ चीजें बेच रहे हैं, हर एक पर ये पोप की तस्वीरें बनी हुई हैं। हाँ, यहाँ की यादगारें लोग अपने घरों को ले जाते हैं। मेरे पीछे आपको पस मंजर में पोप का जो सबसे बड़ा वो है कलीसा है वो नजर आ रहा है, और सामने की तरफ बाहर निकलने का रास्ता है।
ये सामने मेरे आपको वेटिकन सिटी का मेन दरवाजा नजर आ रहा है। हम सुबह से आए हुए हैं वेटिकन सिटी के मुख्तलिफ इलाकों का। हमारे साथ इंतजार कर रहे हैं, चलो भाई। चलो जी, ये वेटिकन सिटी क्या वो है, और ये यहाँ से वेटिकन सिटी शुरू हो जाती है, और यहाँ से चलते चलते आप यहाँ जाएं तो वेटिकन सिटी का ये मेन गेट है, और इस तरफ आप जाएंगे तो ये रोम शुरू हो जाता है। रोम एक तारीखी शहर है, तारीखी तहजीब रही है, तारीखी मुल्क रहा है, तारीखी एम्पायर रहा है। और यहाँ से आप आ जाए तो मुख्तलिफ दुकानें हैं, किताबों की दुकानें हैं। ये देखें, ये किताबों की दुकानें आपको नजर आ रही है, और मुख्तलिफ खरीदारों यहाँ पर आए हुए हैं, और महंगी तरीन चीजें मिलती हैं यहाँ पर। ये जितनी चीजें नजर आ रही है आपको, सारी महंगी तरीन चीजें हैं। ये देखें, मार्केट है पूरी, और लोग यहाँ पर अपनी हदीये खरीद, और ये चीजें खरीदने के लिए हैं सारी। ये देखें, मुख्तलिफ चीजें हैं जो खरीदते हैं। फिर बाहर निकल जाएंगे, ये पोप से मुतालिक की सारी चीज। मेरे पीछे देखें आप, कैमरामैन दिखा सके, ये जो मेन गेट नजर आ रहा है, ये तीन पर तीन गेट पर तीन मुजस्मे से बने हुए हैं, ये वेटिकन सिटी का मेन गेट है। और यहाँ से दाखिल होकर आप इस रियासत में दाखिल हो जाते हैं। ये जो आपको रियासत नजर आ रही है, ये वेटिकन सिटी की रियासत है। इसका वजूद हुआ है 1929 में। 1929 ये हुआ कि 1929 में जब यहाँ रूम का जो बादशाह था उसने ईसाई मजहब कबूल कर लिया। जब ईसाई मजहब कबूल कर लिया तो पोप के अंदर और बादशाह में आपस में महाजा राय और लड़ाई जंग जारी रही। अब हल लोगों ने मिलकर ये बनाया, क्योंकि नारा ये लग गया, लोगों ने कह दिया कि कैसर को अपना काम करना चाहिए और पोप को अपना काम करना चाहिए। तो ये इसी सूरत में हो सकता था। तो वो कहते ना कि एक गुदड़ी के अंदर दो फकीर तो रह सकते हैं, लेकिन एक मुल्क के अंदर दो बादशाह हुकूमत नहीं कर सकते। तो जंग होने लग गई। तो फिर नतीजा ये निकाला इन लोगों ने मिलकर कि भाई पोप को एक अलग से रियासत दे देनी चाहिए। चुनाचे 1929 में पोप को ये रियासत अलाट कर दी गई, रूम के अंदर रियासत। कहते ना रियासत में रियासत, तो रियासत के अंदर ये एक रियासत बना दी गई। अब इसका पासपोर्ट अलग है, तो ये किले के अंदर ये पूरी रियासत है, इसका पासपोर्ट अलग है। इसका जो पोप के अहकाम है वो जारी होते हैं, इनका वज़रा का निज़ाम अलग है, इनका पार्लियामेंट अलग है, इनकी करेंसी अलग है, हर चीज इसकी अलग है, इसका पासपोर्ट अलग है। पूरी दुनिया में इसके सफीर होते हैं, किसी को अगर आना जाना पड़े तो वो वीजा लेके जाते हैं, आते हैं। और पोप की जो हुकूमत है वो चार दीवारी तक है, इस चार दीवारी तक, इस किले के अंदर तक महसूर होके रह गई है, महदूद होके रह गई है। पूरी दुनिया ईसाइत अपना मजहब छोड़ चुके हैं, बराए नाम है। चर्च इनके जितने बड़े बड़े हैं वो सारे वीरान हो चुके हैं, अब सिर्फ चर्च तफरी गाहें बन गए हैं, और बस आते हैं अपने बच्चों को दिखाने के लिए कि ये चर्च है, ये इतने साल कदीम है, ये इतने साल कदीम है। ये जो वेटिकन सिटी के जो इमारत है, ये जो आपको नजर आ रही है, ये मेन गेट है, यहाँ से दाखिल होते हैं, और चारों तरफ इसकी एक दीवार है। पूरी मजहब, पूरी मजहबियत ये महदूद होकर रह गई। इसके बिलमकाबिल मुसलमानों की जो निज़ाम तालीम है, मुसलमानों का जो मजहब है, मुसलमानों जो अंदाज़े ज़िंदगी है, आपको पूरी दुनिया में नज़र आएगा। मसाजिद पूरी दुनिया में बनी हुई है, दीन पर अमल करने वाले पूरी दुनिया में नज़र आएंगे, सारी दुनिया में आपको मुसलमान नज़र आएंगे। यही वजह है मुसलमानों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, दिगर मजाहिब के मनने वालों की तादाद दिन ब दिन सुकड़ती जा रही है, कम होती जा रही है। ये तमाम लोग अमलन अपना मजहब छोड़ चुके हैं। वो कहते हैं ना, तंग आ जाएगी दुनिया अपने चलन से, सीखेगा जमाना तुझसे तेरे अंदाज ने। ये अपने चलन से तंग आ चुके हैं, अंदर से परेशान है, डिप्रेशन का शिकार है। तो पैगाम ये है कि मुसलमानों को चाहिए, आलम इस्लाम को चाहिए कि वो दीन इस्लाम की सही तस्वीर, सही रुख दुनिया के सामने पेश करे। वेटिकन सिटी से, उसके मेन गेट से अनवर गाजी को इजाजत दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।